देखिए, इस काशी से सिर्फ काशी की नहीं, सिर्फ देश की बात नहीं, पूरी सियासत की बात होती है। राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी भी चर्चा काशी से होती हुई नजर आ रही है। यहाँ काशी में राहुल गांधी की भी चर्चा लोग करते हैं। क्या नाम है भैया? अनिरुद्ध सिंह। यही लोकल है यहाँ पे? कब से क्या करते हैं आप बताइए? यहाँ पे ठंडे की जॉब करते हैं। ठंडे की दुकान पे जॉब करते हैं। ये देख रहे हैं इतना तैयारी मोदी जी को लेकर की, हम देख रहे हैं भगवा भगवा पूरे शहर में है, ये क्यों कर रहे हैं इतनी तैयारी? अपने सांसद से क्यों प्यार है काशी? इतना करते हैं इसीलिए प्यार है, और क्या क्या करते हैं? जो मैनेजमेंट वगैरह सारा डेवलपमेंट वगैरह हुआ है उसके वजह से हुआ है डेवलपमेंट। इस बार कितने वोटों से जिताएंगे मोदी जी को, अगर जिताएंगे? अब जितने वोटों से जीत जाए वो, जीतना तो उन्हीं को है। क्या भैया? एक तरफा जीतेंगे मोदी जी, एक तरफा जीतेंगे। इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्यों लग रहा है? लाखों वोटों से मैम काम कराते हैं, बताओ क्या कमी है यहाँ पर? इतने आराम से घूमो, रात के 2 बजे तक घूमो, 3 बजे तक घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से कोई दिक्कत, परिवार के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और राहुल कह रहे हैं 150 सीट मिल जाए, वही बहुत है मैडम? कम से कम नहीं तो 450 सीट नरेंद्र मोदी, 450 सीट में, 450। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, यस। ऐसे इतना विश्वास क्यों है मैम? काम कर रखा है। बताइए कोई एक आध काम बताइए। काम क्या? बहुत काम किए मैडम, रोड देखो ऐसे बना दिए, कहीं दिक्कत ही नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस वे देखो आप, कितना जबरदस्त बना है। आप बताइए। मैं टूरिस्ट हूँ, गुजरात से आया हूँ, तो मैं अभी लोकल गाड़ी में पूछ रहा था ना किसी को, तो वो सब नाराजगी बता रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई नहीं, काम इतना सारा नहीं हुआ है, वो तो सब ऊपरी ऊपरी दिखा। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल पर इतना सब कुछ नहीं हो रहा। ग्राउंड पर तो देखिए हम बात कर रहे हैं, आप इधर आइए भैया। ये कब से भेज रहे हैं? इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए हमारे जरा, कब से बेचते हैं ये? बस आज कई साल हो गया। कई साल यहीं के रहने वाले? हाँ, यूपी के। यूपी के रहने वाले। यहाँ कब से रहते हैं? बनारस। बनारस हो गया 15 साल। 15 साल। कितने का बेचते हैं आप ये? अब जैसे ग्राहक मिल जाए। फिर भी कोई तो रेट होगा ना इसका? 40 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया हो जाती है बिक्री सारे सामान। दाल रोटी चल रहा है। दाल रोटी चल रहा है। इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, किस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा होती है? मोदी की। बहुत अच्छा काम किए हैं, हर अच्छा काम किए हैं, लैटरिन दिए, गैस दिए, किसान भाइयों के राशन दिए, 2000 रुपये खाता में आता है, और साफ सफाई के बारे में सब अच्छा काम, कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया है। क्या बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। अब आ रहे हैं कल यहाँ रोड शो करेंगे मोदी जी? बढ़िया, उनको भी 24 में आना है। 24 में आना है, आना है। कल यहाँ बनारस आकर रोड शो करेंगे। इतनी भीड़ जुटाने की बात कही जा रही है, जुटेगी क्या भीड़? अरे बहुत ज्यादा जुट जाएगी, जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना। क्यों जुटेगी इतनी भीड़? अरे अच्छे आदमी साथ कोई नहीं आएगा, अच्छे आदमी साथ सभी आना चाहेगा। इतने अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए भैया क्या नाम है? रवि कुमार गुलशन। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले। क्या इस बार अबकी बार 400 पार होगा कि हवा? जरूर होगा, पार होगा। क्यों होगा भाई? काम अच्छे कर रहे हैं, और क्या? काम अच्छे कर रहे हैं बिल्कुल। क्या काम किया? पहली बात, भ्रष्टाचार पे रोक लगा हुआ है, माफियागिरी कम हुई है, माफियाओं का कमर टूटा हुआ है, और हम लोगों का सनातन धर्म जगा हुआ है। अच्छा, काशी की तो सांसद हैं मोदी जी, काशी सांसद बनाती है, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, काशी वाले प्यार कर रहे हैं उनको? बिल्कुल प्यार कर रहे हैं, पूरी जनता उनके साथ है। इस बार हो सकता है 400 के पार इनकी सीट आएगी, और विपक्षी जितने हैं सब उनके समझ लीजिए कि अपना जो क्राइटेरिया होता है जमानत जब्त हो जाएगी। महंगाई बेरोजगारी पर वोट नहीं पड़ेगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा, पहले से ही महंगाई चली आई हुई है। भैया नारेबाजी चल रही थी यहाँ तो, क्या नाम है आपका? योगी मोदी जिंदाबाद, अरविंद कुमार नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ के रहने वाले हैं? घूमने जी नहीं, मैं मेठी से, स्मृतानी के रहने। आप तो गांधी परिवार के घर से आए? जी 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 जी। राहुल नहीं लड़ रहे वहाँ से इस बार? नहीं, अब की डर के भाग गए वो। डर के भाग गए? रायबरेली चले गए वो। KL शर्मा जी तो आए हैं? शर्मा जी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वहाँ, हाँ, स्मृतानी ने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल कह रहे हैं मैं रायबरेली चला गया। डर गए मोदी जी? मोदी नहीं डर गए, डर गए हैं राहुल गांधी जी, जो डबी कैंडिडेट को खेसारी लाल को उतारे हैं। अच्छा, डबी कैंडिडेट है? जी जी। और यहाँ काशी में क्या माहौल देख? सब मोदी 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 मोदी। बताइए भैया क्या बता रहे हैं आप? बताइए क्या मोदी में क्या अच्छा लग रहा है? मोदी में सारे कुछ अच्छा है। नाम बताइए जी। संजय मौर्य, अमेठी से हैं हम, स्मृति ईरानी को जिता रहे हैं भाजपा। क्यों भाई, राहुल से क्या नाराजगी हो गई? नहीं नाराजगी क्या, मोदी हैं तो मोदी हैं। ऐसा क्या किया मोदी ने आपके लिए? राम मंदिर बनवाया बनारस में, इतना जी सनातन को, पूरी हिंदुओं को जागरूक किया, सारा कुछ बढ़िया किया, अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, अमेठी अगर आते राहुल गांधी तो फाइट होती? बिल्कुल फाइट नहीं होती, एक तरफा वो हार के चले जाते, जैसे रायबरेली में हारेंगे
दूसरा उनको पता चल गया था कि हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम विजय है। यहीं के रहने वाले हैं। क्या चर्चा है बनारस में मोदी जी को लेकर, क्या तैयार? मोदी जी का चर्चा है। मोदी जी की चर्चा, क्या दिया मोदी जी ने आपके बनारस? दिया, बहुत विकास किया। पहले बनारस में कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। कल आ रहे हैं, रोड शो हो रहा है, उसके लिए तैयार हैं आप? एकदम तैयार है। शामिल होंगे रोड शो? एकदम शामिल होंगे। आप अमेठी से स्वागत कर रहे हैं? और क्या, हमें पता है मोदी जी आ रहे हैं, सोचे भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और इसके अलावा कोई है देश चलाने? दादा आप बताओ, आप यहीं के रहने वाले हो? कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए हैं। यहाँ जब आते हैं तो किस नेता की चर्चा सबसे ज्यादा सुनते हैं? देख तो रहे हैं, मोदी का है। मोदी के बारे में? हाँ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं मंदिर में जो 400 रुपया दर्शन के लिए लेता है, हम लोग तो उस समय फ्री करते थे दर्शन, और अभी 400 रुपया स्पेशल दर्शन में, और जनरल पब्लिक सब मर रहा है।